हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो होप सो आप सब सारे अच्छे होंगे और आप भी अब मेरी तरह अच्छे से कुकिंग्स वगैरह कर रहे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शाम के लिए मंचूरियन, जो कि मॉर्निंग में, एक्चुअली शाम का टाइम भी बहुत चेंज हो गया। पहले शाम सुबह 6 बजे जाते, सॉरी 8 o'clock जाते थे और 6 o'clock आते थे, बट अब वो उनका टाइमिंग हो गया, 10 o'clock जाएंगे और 8 o'clock आएंगे। तो मुझे भी थोड़ा सोने का अच्छे से टाइम मिल गया, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं पहले 6 o'clock उठती थी, अब मैं 8 o'clock उठ रही हूँ। तो अब चलो बनाते हैं अपना मंचूरियन। नाइट में ही पत्ता गोभी और गाजर को ना पूरा ग्रेट करके रखा था। अब इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मैदा मिक्स करूँगी और नमक और थोड़े स्पाइसेस। मैंने 3 big spoon इसमें मैदा लिया है, 3 या 4। इससे क्या होगा ना, ये थोड़े टाइट बनेंगे। कई बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि मंचूरियन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और थोड़े से स्पाइसेस। मैं डालूंगी लाल मिर्च, और थोड़ी सी काली मिर्च। ये आप अपने अकॉर्डिंग डालना कि आपको स्पाइसेस कितना। और थोड़ी सी काली मिर्च, ये आप अपने अकॉर्डिंग डालना कि आपको स्पाइसेस। मुझे इसमें वाटर ऐड करना पड़ा थोड़ा सा। अब ये बाइंडिंग होने के लिए ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप इसके बॉल्स देखो तो ये बन चुके हैं। ये कुछ इस तरीके से इसका डो बनता है। अब मैं इसकी गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई करूंगी, क्योंकि मेरा ऑयल भी वहां मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनको फ्राई। मेरी कढ़ाई को मत देखना, मैं इसी को सब फ्राई करती हूँ, तो ये मेरी काली हो चुकी है। और एक्चुअली मैं तो अभी यहाँ पे नहीं हूँ, पहले मेरे हस्बैंड ने इसकी बैंड बजा रखी थी। वो पकौड़े हमारे हो चुके थे रेडी, और इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अपना, क्या कहते हैं, इसकी ग्रेवी। बट जो इसकी ग्रेवी आज बनेगी वो बहुत ही ड्राई बनने वाली है, क्योंकि ऑफिस लेके जाना है और इसके बाद कुछ है नहीं अभी खाने के लिए, लाइक नूडल्स या फिर मैं फ्राइड राइस नहीं बना रही हूँ। तो अब भी सिर्फ मंचूरियन दे रही हूँ इनको, तो मैं सोचा ड्राई मंचूरियन बना के दूंगी इनको। और हीट होते ही पहले मैं इसमें स्प्रिंग अनियन डालूंगी, क्योंकि मैं स्प्रिंग अनियन यूज कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं डालूंगी कैप्सिकम, इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर जाएगा इसमें थोड़ा सोया सॉस, एक चम्मच विनेगर और रेड चिली सोया सॉस और थोड़ा सा इसमें जाएगा सॉल्ट,
कॉर्नफ्लावर मिक्स किया। थोड़ा सा इसमें चिली मैं और एक्स्ट्रा डालूँ स्पाइसेस के लिए। देखो हर किसी की रेसिपी अलग होती है, सबका टेस्ट अलग होता है, हमें स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा पसंद है। शुरू हो चुका है, तब इसके अंदर मैं मंचूरियन ऐड कर दूंगी। मंचूरियन हो चुके एकदम रेडी। तो उसके बाद मैंने बनाया बनाना शेक। तो इसमें मैंने डाले थे दो बनाना, तो एक तो मैं डाल चुकी हूँ, अब मैं इसमें डालूँगी दूसरा वाला और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिल्क जो कि हाफ कप होता है, और उसके बाद एक्चुअली आइसक्रीम तो मैं ऐड करूँगी क्योंकि शाम का आइसक्रीम बहुत मज़ा आता है बनाना शेक पीने में। तो इसके अंदर मैंने खूब सारा 2 स्पून बड़े वाले जिसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो मैंने उससे स्पून से निकाला था, तो मैंने 2 स्पून से बड़े बड़े आइसक्रीम के ऐड किए थे और देन उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंड करने के बाद इसमें ना बहुत अच्छा था टेस्ट आता है, ट्राई करना बनाने से आइसक्रीम डाल के बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे पास आइसक्रीम का जो फ्लेवर था वो कुल्फी वाली आइसक्रीम का फ्लेवर था, तो मैंने ठीक है क्योंकि यार यहाँ बहुत ठंड हो रही थी तो नहीं खाया जा रहा था। उसका थोड़ा टेस्ट किया कि यार मीठा है या नहीं, क्योंकि हमने कोई भी किसी भी तरीके का शुगर ऐड नहीं किया था, अदरवाइज मैं गुड़ ऐड कर देती हूँ बट नहीं किया था। फिर उसके बाद ये शेक रेडी हो चुका था, फिर मैं भी अपना मंचूरियन और चाय लेके बैठ गई थी अपना ब्रेकफास्ट करने।